हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो भी स्टूडेंट यूपीपीसी से यूपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करंट अफेयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और ये दिसंबर का करंट अफेयर्स है। ये जो कुछ पेजेस में था, मैंने कुछ पेजेस जो है इसके वीडियो डाल दिया, आप देख सकते हो। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। इसकी जो PDF है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है, कीर्ति गोयल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ आप वीडियो देख कर भी पढ़ सकते हो। तो फर्स्ट न्यूज़ क्या है, भारतीय ग्रीन हाउस इन द बॉक्स स्टार्टअप के इतने 2022 अर्थ शॉर्ट पुरस्कार जीता। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल की विज्ञान शिक्षिका को प्रधानमंत्री पुरस्कार। विश्व के सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची में भारत जो है 5वें स्थान पर है। दिल्ली में गुलाटी का बटर चिकन शीर्ष व्यंजनों में है। और PV सिंधु दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली 12वीं महिला एथलीट बन गई है। टॉप 25 में सिर्फ भारत और बैडमिंटन खिलाड़ी है। वैज्ञानिक प्रकाशनों में भारत विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। DST के लिए उच्च बजट है आवंटन की उम्मीद। और दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची 2022 भारत 87वें स्थान पर, UAE सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र ने शीर्ष 10 विश्व वाहली फ्लैगशिप कार्यक्रम में नमामि गंगे को स्थान दिया है, ठीक है, आप देख सकते हो। और थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि इतना सब कुछ पढ़ोगे तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है, ठीक है। तो मैं आपको इसलिए धीरे धीरे दिखा रही हूँ, आप देखते रहना कौन कौन सी करंट अफेयर्स है। अगर आपने यही कर लिया तो आपका PCS या UPSC का कोई भी एग्जाम है ना, करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने वाले, यहीं से निकलेंगे। इस तरह मैं आपको दिसंबर और जनवरी का भी दूंगी, सॉरी दिसंबर का तो ही है, जनवरी और फरवरी का भी दूंगी। और नवंबर के लिए मैंने आपको फूल पत्ती वाली क्लास जो मैगजीन मिल जाती है, ठीक है, करंट अफेयर्स की, वो मैंने आपको बता रखी है। हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में पाकिस्तान शीर्ष पर है। और फोर्ब्स की 100 सबसे अमीर भारतीयों की सूची में गौतम अंडानी शीर्ष पर है। भारतीय अर्थशास्त्री सी रंगराजन की पुस्तक फॉक्स इन द रोड माय डेज एट RBI एंड बियॉन्ड, ये आपको याद रखना है किसकी पुस्तक है। मिशेल ओबामा की जो पुस्तक है वो द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टन टाइम्स, तो ये आपको जरूर याद रखनी है, ठीक है। शेखर पाठक ने द चिप्पो मूवमेंट के लिए कर्मा देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022 जीता। ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जहाँ से क्वेश्चन जो है बनते हैं करंट के। फ्रांसीसी दूतावास के अनुसार फ्रांस पेरिस में यूक्रेनी लोगों के साथ खड़े एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। गोल्डन मोड 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर शब्द गोल्डन मोड का प्रयोग किया है, अक्सर एक प्रकार के व्यवहार का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ओडिशा के बरगढ़ में 2 साल के अंतराल के बाद सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल धनु यात्रा उत्सव शुरू हुआ। मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच ने तमिलनाडु के मंदिरों में श्रद्धालुओं के मोबाइल फोन ले जाने पर रोक लगा दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने BSF जवानों के लिए प्रहरी ऐप लॉन्च किया। नेक्स्ट न्यूज आ जाती है, ये तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की कि वे सभी जो विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभ के पात्र हैं उन्हें आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या आधार पहचान से गुजरना होगा। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि प्रधानमंत्री कौशल कोकाम कार्यक्रम PM KKK का नाम अब AIM मतलब सॉरी प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन PM विकास योजना रखा गया है। ये AIM वाली अलग न्यूज़ है कि 15 दिसंबर 2022 को अटल इनोवेशन मिशन AIM नीति आयोग और UNDP इंडिया द्वारा एशिया पैसिफिक के सबसे बड़े युवा नवाचार आंदोलन यूथको लैब के 5वें संस्करण को संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुवार को रियासी की पौनी में अमर जवान शौर्य स्थल का उद्घाटन किया। इस मौके पर एलजी ने परम पूज्य संत बालक योगेश्वर दास जी महाराज को नमन किया। और उत्तर प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के अपने मिशन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार की अत्यधिक सफल एक जिला एक उत्पाद योजना के बाद एक जिला एक खेल लॉन्च किया। नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप, भारत ने बांग्लादेश को हराकर लगातार तीसरा खिताब जीता। और अभिषेक बच्चन की जयपुर पिंक पैंथर्स ने प्रो कबड्डी लीग 9 की ट्रॉफी जीती। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की कि डॉक्टर जेरेमी फरार इसके मुख्य वैज्ञानिक हो गए। मेघना अहलावत सोमवार को भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के अध्यक्ष चुने गए, जबकि पूर्व दिग्गज कमलेश मेहता महासचिव चुने गए। यहीं से जो है पीछे से यूपीएससी के क्वेश्चन बनते हैं, छोटी छोटी चीजें, इसलिए आपको बार बार ये याद करना है। वीडियो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया, वहां से ले सकते हो। आंध्र प्रदेश कैडर की IAS अधिकारी और पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रीति सुदन ने UPSC के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। अडानी के अधिग्रहण के बीच वरिष्ठ पत्रकार रविश कुमार ने NDTV से इस्तीफा दे दिया। सुशासन दिवस 2022 25 दिसंबर, भारतीय गणित दिवस 22 दिसंबर, 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कुछ ये नोबेल पुरस्कार है कि आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार विजेता बेन बनारे के डगलस डायमंड और फिलिप डायबिक, और नोबेल शांति पुरस्कार 2022 के विजेता एलिस बलियात्स की। साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता एनी एनॉक्स फिजियोलॉजी के हो गए। तो ये सब आपको विजेता जो है ये नोबेल पुरस्कार के ये आपको अच्छी तरह से करने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। रसायन विज्ञान में जो नोबेल पुरस्कार विजेता है कैलोरिन बटर्जी, मॉर्टन मेल्डर और बेरी शॉर्पलेस। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 संयुक्त रूप से सुदीप सेन और शोभना कुमार ने जीता। पैटा इंडिया की 2022 की पर्सन ऑफ द ईयर है सोनाक्षी सिन्हा। भारत की सरगम कौशल ने मिसेज वर्ल्ड 2022 जीता। जम्मू कश्मीर में जन्मी ब्यूटी क्वीन पहले विभाग में एक शिक्षक के रूप में काम करती थी। तो यहाँ पे ये लास्ट न्यूज़ है, इसके बाद आपके दिसंबर की न्यूज़ ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, आप देख सकते हो, मैंने स्टार्टिंग से ये दिसंबर की वीडियो के सारे नोट्स बना रखे हैं। ये वीडियो तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।